प्राचीन बिहार भूमि जिसे अब लोग बिहार के नाम से जानते हैं, यहाँ मैं अनेकों बार आते रहा हूँ, मगर इस बार के ग्रुप के साथ आने का आनंद ही कुछ और था, क्योंकि ग्रुप में थे बढ़िया गायक और गायिकाएं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि हम हैं पटना में और जा रहे हैं नालंदा, जहाँ हम देखेंगे बौद्ध धर्म के महान चाइनीज विद्वान शान झांग का विशाल मेमोरियल, और साथ में वहां पहुंचकर कुछ नई जानकारी मिलेंगे। तो चलिए प्यारा सा गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय कर हम नालंदा पहुंचे और वहां से सभी ने इलेक्ट्रिक रिक्शा से मेमोरियल का रास्ता तय किया। लगभग 15 मिनट बाद हम मेमोरियल के सामने थे। गेट पर ही सामने चाइनीज भाषा में शान झांग मेमोरियल लिखा हम देख सकते हैं और सामने है उस वास्तु का सुंदर नजारा। यह उपलब्ध जानकारी के अनुसार भिक्खु जगदीश कश्यप, जिन्होंने नव नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, उन्हीं के प्रस्ताव पर इंडो चाइना फ्रेंडशिप के अंतर्गत यह मेमोरियल उस महान विद्वान भिक्खु शान झांग को समर्पित किया गया है, जिसे आज स्वतंत्रता की भावना, ज्ञान की खोज और भारत चीन सांस्कृतिक मैत्री को प्रगाढ़ करने के महत्वपूर्ण कार्य के एवज में प्रतिबिंबित माना जाता है। साल 1957 में शान झांग के अवशेषों को चीन से प्राप्त कर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री झाओ इनलाई के हाथों से इस मेमोरियल की नींव रखी गई थी और 1984 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तथा साल 2006 तक रिनोवेशन और क्रिएटिव काम इसमें होते रहे। आज यह मेमोरियल दोनों देशों के कल्चर तथा धार्मिक एकता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म के स्थापना के बाद से ही जिस तरह बुद्ध के विचारों ने दुनिया भर के चिंतनशील अभ्यास को, साहित्यिकों और विद्वानों को भारत भूमि की ओर आकर्षित किया, उनके नामों की जो समग्र सूची है उनमें से एक व्यापक तबका चीनी विद्वानों का है, जो ईसा पहली शताब्दी से ही बुद्ध धर्म के केंद्र में बसे मानवीय मूल्यों से प्रेरित होकर अधिक की शिक्षा और जिज्ञासा व्रत हिमालय की चोटियों को पार कर भारत आते रहे और बौद्ध धर्म की प्रगति और प्रसार में तत्कालीन शासकों तथा लोगों की अवस्था के विविध पहलुओं पर अपार लिखान करते गए। उनमें से एक नाम है शान झांग, जिन्हें हैंसांग के नाम से भी जाना जाता है।
शानझांग जो भारत में 6वीं शताब्दी में एक बौद्ध विद्यार्थी बनकर आए और 629 से 645 17 साल तक भारत के हर कोने में जाकर तत्कालीन भारत के बुद्ध विहार स्तंभ स्तूप शिलालेखों के साथ तत्कालीन शासक तथा लोगों के आचार विचार भी उन्होंने अपने प्रवास वर्णनों में तथा ग्रंथों में समाविष्ट किया और अनेक बौद्ध ग्रंथों को चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट भी किया। उन्हीं के ग्रंथों के द्वारा यहाँ की श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का भी परिचय हमें होता है। उस वक्त ब्राह्मणों ने जहाँ अपने वर्चस्व को लोगों पर लादने के लिए कपोल कल्पित देवों की स्थापना कर ईश्वरीय आभास को रूढ़ करके मंदिरों के रास्तों पर डाला, वहीं श्रमण संस्कृति के वाहक बौद्ध भिक्कुओं ने सर्वसाधारण लोगों में शिक्षा के प्रचार के लिए शिक्षा केंद्र और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन्हीं के ग्रंथों में लिखित जानकारी के आधार पर ही कलिंगम साहब ने अनेक जगहों पर उत्खनन करवाया और गर्भित बौद्ध कालीन अवशेषों को जमीन से बाहर निकाल पाए तथा सम्राट अशोक द्वारा बनवाए बौद्ध स्तूपों को खोज निकाला और जिस कारण तत्कालीन भारत की राजकीय सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का लेखा जोखा वर्णित कर शानझांग हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के पृष्ठों में अजर अमर हो गए। शानझांग के जीवन से पता चलता है कि वे 6 अप्रैल 602 में चीन के हिनान प्रांत में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में शामनेर बने और 23 साल में बौद्ध भिक्कु बने। वे दुनिया के दुर्लभ व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। वे चाइना और भारत के बीच बने सिल्क रोड से भारत आए और उसी रास्ते से बौद्ध धम्म चाइना में गया। उनका जीवन एक आदर्श था, परम ज्ञान के प्राप्ति के लिए उनके जुनून की कोई मिसाल नहीं। वे भारत से 657 बुद्धिस्ट ग्रंथ चाइना लेकर गए और कई पुस्तकों को वहां की भाषा में अनुवाद कर चाइना में बुद्धिज्म को फैलाने में महत्वपूर्ण काम किया। इस वास्तु को हर कोने से देखने के बाद आखिर में दुनिया के साहसी विद्यार्थी यात्री विद्वान ट्रांसलेटर और बौद्ध धम्म के प्रचारक शानझांग को नमन कर यहाँ की यादों को हृदय में बसाए वापस हम सब अपने अगले बौद्ध स्थल नालंदा की ओर निकल पड़े। Oh,